दारू खूब पीते थे। अच्छा। चार दिन से कोई पी रहे हैं कि तो अचानक पेट में दर्द हुआ, उल्टी होने लगा, तो ले गया डॉक्टर, डॉक्टर रेफर कर दिया कि खत्म। नालंदा में जहरीली शराब से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अब इस मामले में एक और जानकारी निकल कर के सामने आई है, जहां पुलिस प्रशासन को 23 पेटी अंग्रेजी शराब उस जगह से बरामद हुई है। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में अभी अभी एक खबर सामने आई, जहां 6 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के कारण हो चुकी है। वहीं आशंका ये भी जताया जा रहा है कि उन सभी लोगों ने कल रात शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और आज सुबह सुबह ही उन लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत अब इस मामले में गंभीर बताई जा रही है। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन वहां पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने बताया कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है। वहीं इस घटना पर SDM कुमार अनुराग ने कहा कि इस मामले की जांच शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने यही कहा है कि इन लोगों की मौत शराब पीने के कारण ही हुई है। इस घटना के बाद नई सराय से बिहार थाना पुलिस को 23 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस प्रशासन इस पर अभी भी चुप है। बता दें कि सोहर सराय के छोटी पहाड़ी इलाके में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। साथ ही बिहार सरकार और नीतीश कुमार के शराबबंदी के ऊपर उंगली भी उठाई जा रही है। जो जांच किया है, हर घर के लोगों से मिले भी हैं, तो 3 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति सीरियस अवस्था में हॉस्पिटल में है और 1-2 अन्य लोगों के बीमार होने की कहीं कहीं से सूचना आ रही है। इसमें एक व्यक्ति के परिजन बता रहे हैं कि वो पैरालिसिस के मरीज थे, उनको पैरालिसिस कल हुआ रात को, पैरालिसिस अटैक और डायबिटीज़ वगैरह भी था। बाकी 2 जगह को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, एक उनको पता नहीं चल रहा है लेकिन बता रहे हैं कि रात उल्टी वगैरह हुई थी, और तीसरे व्यक्ति बता रहे हैं कि हाँ कभी कभार उनको पीने की वो कोशिश करते थे और कल रात को बीमार हुए। इसके अलावा 1-2 और लोग हैं तो हम लोग पता कर रहे हैं, हालांकि पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी, क्योंकि कहीं किसी के घर से कोई शराब का बॉटल बरामद नहीं हुआ, तो फाइनल पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। लेकिन हम लोग अभी इस पूरे एरिया को, जो छोटी पहाड़ी इलाका है, तो पूरे ज़िले का बल यहाँ मंगाया गया है और मेरे और SP साहब हम लोग खुद इस अभियान को लीड करेंगे और इस पूरे एरिया को हम लोग अभी सघन अभियान चलाएंगे। पूरे एरिया, छोटी पहाड़ी का पूरा एरिया जो है, पूरे जिले बल को 4 हिस्सों में बांट करके अन्य सब डिविजन्स के मंडल पुलिस पदाधिकारियों को बुलाया गया है। अभी इस पूरे एरिया की कॉम्बिंग की जाएगी और लगातार ये ऑपरेशन चलेगा, और अगर मिलता है कोई इस तरह का व्यापार करता हुआ तो उसको हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस एरिया से हम लोग कोशिश करेंगे कि पूर्णतः इस पर रोक लगाएं। दारू खूब पीते थे। अच्छा। 4 दिन से कोई पी रहे हैं कि तो अचानक पेट में दर्द हुआ, उल्टी होने लगा, तो ले गया डॉक्टर, डॉक्टर रेफर कर दिया कि खत्म है आदमी। अच्छा, कल भी दारू पिए थे? हाँ। अच्छा। मंगले से पी रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते थे? बस बॉडी में काम करते थे। अच्छा, क्या नाम है इनका? मेरा नाम मिस्त्री है। आपका क्या नाम है? ज्योति देवी। कौन लगते हैं आप? पापा है। अच्छा, की पापा है। ब्लू वाला ना, रेड जल्दी आओ रितेश।
परिवार है ये। आप लोग नहीं कहा करिएगा, फोटो कॉल तो करते रहिएगा।